प्रोग्राम में भी जो है जब से प्रोग्राम शुरू हुआ उससे पहले से आए हुए और हमें सुन भी रहे हैं और हमें सुना भी रहे हैं, अभी सुनाएंगे। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा आप सबसे कि इनका खड़े होकर अगर आप इनको एहतरामन जो है वो अवार्ड देने के लिए साथ दें, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ लेडीज़ जेंट्स तमाम जितने भी लोग बैठे हुए खड़े होकर इनके अवार्ड के लिए जो है आप खड़े हो जाएँ और इनको अवार्ड आप लोग रमेश माना साहब को हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं इनकी खिदमत के अवज़, तो मेरी गुजारिश है कि इनको अवार्ड देने के लिए आप इनको जो है खड़े होकर एक रेस्पेक्ट दें। ये हम सब ने मेरे ख्याल में इस वक्त यानी कि बड़े भी हैं सीनियर भी हैं, तो अवार्ड देते हुए हमें खुशी महसूस हो रही है। तो मैं अपने चेयरमैन साहब को गुजारिश करूँगा कि आप इनको ये अवार्ड दें और अपने यासिन जावेद साहब और ये कराची के इंडिजीनियस डेडिकेटेड कमिटेड वाइब्रेंट इस वक्त भी, तो आप इनको अवार्ड भी देंगे और क्लैपिंग भी करेंगे इनके अवार्ड के लिए। माइनॉरिटी रेडी काउंसिल प्रेसिडेंट और ये आज जो अवार्ड सेरेमनी की है और ये एक उसको दोबारा सिंध में जगाने की बात है पाकिस्तान माइनॉरिटी यूनिटी काउंसिल को, तो ये बहुत अच्छी काबिश है इसलिए कि काम माइनॉरिटी के लिए करना बहुत ज़रूरी है और बहुत काम बाकी है। हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर कभी कोई काम नहीं करते, हमारे काफ़ी MNAs MPAs भी हैं वो अंदर बैठे हैं हमारे लिए, लेकिन दे आर नॉट डिलीवरिंग जो डिलीवर करना चाहिए। और पाकिस्तान में माइनॉरिटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 60% इकोनॉमी पाकिस्तान में माइनॉरिटी चला रही है, तो माइनॉरिटी हर जगह है। हमने तो अपने घर में ही अपने आप को अलहदा कर दिया, वी हैव एवरी राइट टू बी द इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, नॉट दैट वी आर माइनॉरिटी, वाई वी शुड बी कॉल्ड माइनॉरिटी। हमें अपना जो भी हकूक है वो हमने बैठ के उनसे लेना है हमारे लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि आगे फ्यूचर जो है ना बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो ये जब तक एक मिल के काम नहीं होगा, एक प्लेटफॉर्म पे माइनॉरिटी की आवाज़ नहीं होगी तो कुछ हासिल नहीं होगा। ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे माइनॉरिटीज इकट्ठे हो जाए और एक ही प्लेटफॉर्म से हम आगे अपने काम को ले सकें। थैंक यू। एक ऐसी जमायत है जिसने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शऊर लोगों को दिया है कि हमें पता चले कि असल में हमारा हक है क्या। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और स्पेशली जो हमारी